हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक हैं। तो आज अच्छी खबर तो मेरे पास नहीं है। दिस इज़ ए न्यूज़ जो काफ़ी डिस्टर्बिंग है। तो एक सुली नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया गया है, सुली डील ऑफ द डे। ये एक ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसमें इंडियन मुस्लिम वुमेन को ऑक्शन करा जा रहा है, उन पे डेरोगेटरी कमेंट करे जा रहे थे। दिस इज़ एन एक्सट्रीम केस ऑफ ऑनलाइन अब्यूज़ एंड हरासमेंट। सुली इट्सेल्फ इज़ ए वेरी डेरोगेटरी वर्ड। मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए, मेरी बात को कन्वे करने के लिए काफ़ी बार इस शब्द का यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए मैं एडवांस में आप सबको सॉरी बोलना चाहती हूँ कि आई वुड बी सेइंग दिस वर्ड, बट दिस इज़ अ वेरी डेरोगेटरी वर्ड, वन शुड नॉट यूज़ दिस। तो क्या डील क्या हुआ है पूरा, देखो। इस तरह का एक एप्लीकेशन बनाया गया था गिटहब, जो एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे सुली डील्स करके एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई गई थी। इस मोबाइल एप्लीकेशन पे दे से फाइंड योर सुली डील ऑफ द डे। तो यहाँ पे फाइंड मी सुली के अंदर दे पुट फोटोग्राफ्स ऑफ द वुमेन, इंडियन मुस्लिम वुमेन, जिनके सोशल मीडिया अकाउंट से उनके फोटोग्राफ, उनका नाम, उनकी जो डिटेल्स हैं वो ली गई है, और यहाँ पे उनको ऑक्शन करा जाता था। तो ये बहुत टाइम तक तो लाइट में ही नहीं आया, पता ही नहीं चला, लेकिन जब इसको ट्विटर पे शेयर करना स्टार्ट हुआ, इस तरह की डील्स जब ट्विटर पे शेयर करना स्टार्ट हुई, तब जाके पता चला कि अच्छा, इस तरह की भी कोई एप्लीकेशन है जो इस तरीके से ऑनलाइन वुमेन ऑक्शन कर रही है विदाउट इवन हैविंग एनीथिंग फ्रॉम द वुमेन। ठीक है, कम्प्लीटली सब कुछ सोशल मीडिया से उठा के इसको इस तरीके से चलाया जा रहा था। तो आई थिंक दिस इज़ एक्चुअली वेरी ट्रॉमेटाइजिंग कि आप सुबह उठे और आपने देखा कि आपके मतलब आपकी फ़ोटो के साथ, आपकी डिटेल के साथ आपका तो ऑक्शन हो गया है, एंड दिस ऑक्शन इज़ नॉट समथिंग जो स्लेव ट्रेड ऑफ इम्पीरियलिज्म के अंदर होता था। दिस इज़ अ ग्रिम रियालिटी ऑफ डिजिटल हरासमेंट इन इंडिया। मतलब दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन इज़ हरासिंग द मुस्लिम वुमेन, बट देर आर मेनी एप्लीकेशन एंड देर आर मेनी सच इवेंट्स जहाँ पे वुमेन का डिजिटल हरासमेंट हैज़ गोन टू द पीक। तो इसी के अंदर एक कमर्शियल पायलट है, हना खान, शी इज़ अ वेरी वेरी ब्रेव लेडी, आई वॉज रीडिंग अबाउट हर। इन्होंने इनको किसी दोस्त ने इस तरह का जो ट्विटर शेयर था वो जब इन्होंने देखा, एंड देन शी सॉ कि वहाँ पे उनका और उनके साथ में 83 इस तरह की मुस्लिम वुमेन थी जिनका नाम उसके अंदर डील ऑफ द डे के अंदर था कि उनकी टुडे इज दिस इज योर डील ऑफ द डे। तो ट्विटर ने उनको जब उन्होंने लिंक पे क्लिक करा, इट टुक हर टू द सुली डील, और जहाँ पे पता चला कि इस तरीके से पब्लिकली सोशल मीडिया से उठाई हुई वुमेन की फोटोज, नेम एंड अदर डिटेल्स हैं, उनका प्रोफाइल बनाया गया है और वहाँ पे उनको डील ऑफ द डे के नाम से डिस्क्राइब करा जा रहा है। यहाँ पे जिन मुस्लिम वुमेन्स के फोटोज हैं वो बहुत ही वोकल हैं, दे आर लाइक दीज आर द वुमेन हु आर ब्रेकिंग द शेकल्स ऑफ द सोसाइटी, हु आर ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग, और उनके नाम है ताकि उनको चुप कराया जा सके। दीज आर स्टूडेंट्स, एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, आर्टिस्ट, रिसर्चर्स हैं हु आर गोइंग बियॉन्ड द सोसाइटी, हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड, द सोसाइटी हैज़ हेल्प देम, और ये उनको इन रिजल्ट में मिल रहा है। एंड इस मोबाइल, ये जो ऐप है, इसका मोटो है कम्युनिटी ड्रिवन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। तो जैसे ही आप एप्लीकेशन खोलते थे, वहाँ पे आपको एक फाइंड योर सुली डील इस तरीके से दिखाई देता था, एंड देन व्हेन यू क्लिक ऑन इट, यहाँ पे क्या होता था कि ये जो मतलब आपको किसी भी एक रैंडम इंडियन मुस्लिम वुमेन का फोटो उस पर डिस्प्ले करा जाता था। नाउ उसमें इन रियलिटी कुछ भी नहीं है, इन रियलिटी नो ऑक्शन इज हैपनिंग, इन रियलिटी नथिंग इज हैपनिंग, बट द पॉइंट इज कि दिस इज वॉट इज गोइंग ऑन इन दी ऑनलाइन यू दिस इज रियली आई थिंक दिस इज द वर्स्ट काइंड ऑफ हरासमेंट वन कैन हैव, दैट यू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड यू फाइंड दैट आपको ऑनलाइन पे ऑक्शन कर दिया गया है, आपकी नीलामी कर दी गई है। बट दिस ओपन्स यू टू अ लॉट ऑफ हरासमेंट ऑल्सो, क्योंकि जो लोग इसको यूज़ करते हैं, जो लोग इसको शेयर करेंगे, उनके पीछे नीचे 10 लोग और जुड़ेंगे, उनके पीछे 10 लोग और जुड़ेंगे। तो इस तरीके से पूरी एक चेन बनती है जो इन वुमेन का, जिनका नाम इस मोबाइल एप्लीकेशन में डाला गया है, उनके लिए हरासमेंट क्रिएट करता है। उनके लिए इफ़ यू पोस्ट एनी थिंग दे पुट सम डेरोगेटरी कॉमेंट इन टू दैट, उनको रेप थ्रेट्स मिलना स्टार्ट हो जाता है, उनका ऑनलाइन हरासमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। सो सुली इज़ अ डेरोगेटरी टर्म, जो मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था, जो दिस शुड नॉट बी यूज। तो और ये ऐप आया भी तभी लाइट में था जब उनकी they started sharing it on the Twitter, ठीक है। हालांकि बाद में ये GitHub ने रिमूव कर दिया है, बट दिस होल सिनारियो, दिस होल केस इज एक्चुअली अ डिपिक्शन ऑफ वॉट इज गोइंग ऑन ऑनलाइन एंड हाउ मच अवर वुमेन आर प्रोटेक्टेड, नॉट जस्ट इन द रियल, अब तो वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर भी ऐसा लगने लगा है कि वी आर फेलिंग टू प्रोटेक्ट अवर वुमेन, है ना। तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है, दे हैव बुक्ड द क्रिएटर्स ऑफ द मोबाइल एप्लीकेशन जिन्होंने सुली डील बनाया था, जिन्होंने इस तरीके से
बिना उनके प्रायर कंसेंट के वुमेन डोंट इवन नो कि उनका फोटो चुरा के, उनका डिटेल्स चुरा के, इस तरह का एक अकाउंट बना के, इस तरह के सुली डील्स पे उनको डाला गया है, और जो इनअप्रोप्रिएट रिमार्क्स उनके खिलाफ करे गए थे, इन सब के अगेंस्ट में इनको हालांकि बुक कर लिया गया है. तो इस तरीके से ऑन ट्विटर यू कैन सी दैट पीपल आर फाइटिंग. ओके, आई टेल यू इन द एंड दैट हाउ दे आर फाइटिंग. दिस वुमेन्स आर, दे आर वेरी ब्रेव, दे आर फाइटिंग. दे आर लाइक कि व्हेन जब सुबह उठे देखा तो दिस ऑक्शन हैज हैपेंड एंड बाद में हालांकि उसको बंद कर लिया गया था. तो द क्वेश्चन इज हाउ इज दिस, दिस इज अ रियल क्वेश्चन वी आर आस्किंग. हाउ इज दिस एक्सेप्टेबल? व्हाट विल बी द पनिशमेंट इफ एनी दिस मेटेड आउट ऑफ द पीपल हु मेड दिस लिस्ट? ठीक है, क्या पनिशमेंट दी जाएगी उनको? मुस्लिम मेन आर लिंच्ड, मुस्लिम वुमेन आर हरास्ड एंड सोल्ड ऑनलाइन. व्हेन दिस विल एंड? एंड दिस इज द सेम क्वेश्चन आई एम आस्किंग. आई एम जस्ट रिमूविंग द रिलीजियस वर्ड फ्रॉम हियर, बट दिस इज द लिंचिंग एंड द हरासमेंट. व्हेन इट इज गोइंग टू स्टॉप? तो इसी के चलते हुए नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने भी एक सुवोकोटो केस लिया है. उन्होंने जो ये सुली डील्स की डिफंक्ट वेबसाइट हो गई है, क्योंकि इसको भी बंद कर दिया है, तो इस पे इन्होंने दे हैव स्टार्टेड आस्किंग कि इसको एक तो नीचे इसको टेक डाउन करो, और दूसरा इनके खिलाफ FIR जो है रिलेवेंट सेक्शंस के अंदर वो फाइल करी जाए और इस मैटर के अंदर प्रॉबिंग करी जाए. सिमिलरली दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन ने भी इस इशू को उठाया है, और उन्होंने बोला है कि दिल्ली पुलिस जैसे ही डिटेल्स में आती है, दे शुड बी इशूड नोटिस टू द दिल्ली पुलिस सीकिंग अ डिटेल्ड रिपोर्ट इन द मैटर. तो ये इस तरीके से स्वाति माहिवाल जो DWC के अंदर है, उन्होंने इस तरीके से पूरा एक नोटिस बना के इसको FIR शुड बी रजिस्टर्ड. शी इज ऑल्सो इन टू दिस की दीज काइंड ऑफ थिंग्स शुड नॉट हैपन. बट आई थिंक आफ्टर इट हैज हैपन्ड वी टेक एक्शंस. देर हैज टू बी अ मेकेनिज्म, देर हैज टू बी अ रेगुलेटरी अप्रोच और समथिंग, जिसमें इस तरह के इवेंट्स होने से पहले या होते ही अगर उनको अगर हटा दिया जाए, तो आई थिंक दैट इज द पॉइंट वेयर वी शुड बी टॉकिंग एंड थिंकिंग अबाउट. तो GitHub क्या है? GitHub एक ओपन सोर्स ऐप है. तो जैसे ही उन पर कंप्लेंट्स आना स्टार्ट हुआ, उन्होंने झट से उस मोबाइल एप्लीकेशन को बंद कर दिया. एंड दे हैव सेड कि हमने यूज़र अकाउंट की जो मतलब जो एक्टिविटीज़ हो रही थी, जो हमारी पॉलिसीज को वायलेट कर रही थी, हमने उनके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया. बट दैट इज नॉट द पॉइंट. द पॉइंट इज कि इट वॉज देयर फॉर अ लॉन्गर टाइम, दैट वॉज देयर फॉर 15 to 20 days, एंड दैट मेड वुमेन ऑक्शन ऑनलाइन. तो दैट इज द रियल केस हियर. लेकिन देखो, आप चाहे कितने भी ब्रेव हो, आप चाहे कितने भी स्ट्रांग हो, लेकिन अगर इस तरीके से आपका पिक्चर सर्कुलेट होता है, इस तरीके से आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अगर पब्लिक में चली जाती है, इट डेफिनेटली स्केयर्स यू, इट डेफिनेटली ट्रॉमाटाइज यू, इट डेफिनेटली डिस्टर्ब्स यू. एंड दीज आर द वुमेन, दीज आर द वुमेन हु आर वेरी वोकल अबाउट द सोशल इश्यूज. तो इस तरीके से काफ़ी सारी लेडीज़ वुमेन ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिया है, क्योंकि दे वर अफ्रेड ऑफ द फर्दर हरासमेंट ऑल्सो. क्योंकि जब लोगों को पता चलेगा तो एक के बजाय 10 के बजाय 100 लोग आएंगे और हरास करेंगे. तो रेदर देन फेसिंग दैट हरासमेंट ईच एंड एवरी डे, दीज वुमेन्स हैव डिलीटेड देयर सोशल मीडिया अकाउंट्स. तो दिस इज नॉट द ओनली केस. ओके, दिस इज नॉट द ओनली केस. मई के अंदर यूट्यूब चैनल एक लिबरल डॉग लाइव था, जिन्होंने जिनकी रियल आइडेंटिटी रितेश झा बताई गई है, तो इन्होंने फोटोज ऑफ मुस्लिम वुमेन को ईद के फेस्टिवल पे लाइव स्ट्रीम करा. एंड ही आई दिस इज लाइक इनसेन टू इवन रीड इट. ही रोट इट इन द हिंदी, टुडे वी विल स्टॉक वुमेन विद अवर आईज फिल्ड विद लस्ट. देर इज नथिंग मोर आई कैन से आफ्टर रीडिंग दिस लाइन. और यहाँ पे जो बिडिंग हो रही थी वो 5 रुपए की बिडिंग, 10 रुपए की बिडिंग, कॉमेंटिंग ऑन द पार्ट्स ऑफ द वुमेन, कॉमेंटिंग डिस्क्राइबिंग द सेक्शुअल एक्ट्स ऑल्सो, एंड थ्रेटनिंग द रेप थ्रेट्स ऑल्सो. सो दिस इज वॉट हैज ऑलरेडी हैपन्ड. फोटोज उन्होंने सर्क्यूलेट करी, जो उन्होंने सेक्शुअलाइज करी, जिसपे वल्गर कॉमेंट्स बनाए गए, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन मुस्लिम वुमेन ही थी, वो पाकिस्तानी मुस्लिम वुमेन भी थी एज वेल. बट दैट्स नॉट द पॉइंट. द पॉइंट इज कि समबडी समवन आउट देयर, द मेंटालिटी, द पीपल विद अ मेंटालिटी, दे आर पुटिंग द पिक्चर्स ऑफ द वुमेन ऑनलाइन एंड दे आर ऑब्जेक्टिफाइंग इट टू द एक्सटेंट दे कैन. This is what is been happening here. तो यहाँ पे बड़ा इशू क्या है? This is a part of a problem. जो हमने बात करी है, जो पूरा डिस्कशन हुआ है, this is just a part of the problem. Bigger issue यहाँ पे ये है कि जब हम बोलते हैं कि आजकल सब कुछ ऑनलाइन होने लग गया है, when we talk about कि everything like your people are building their value on the online, people are becoming entrepreneur on the online, communities build ho rahi hai online mein, product solve ho rahe hain, reputation ban rahi hai, reputation bigad rahi hai, debates ho rahi hain, log information share kar rahe hain, aur isi ke andar
एक ऐसा भी हो रहा है जिसमें ऑनलाइन अब्यूज के अंदर जो वुमेन को बिलिटल, डिमीन, इंटिमिडेट एंड इवेंचुअली दे आर साइलेंसिंग द वुमेन. तो ऑनलाइन अब्यूज हैज़ द पावर कि वो वुमेन को चुप करा सकता है. अगर दिस दिस इज़ वेरी इनसेन टू से एंड आई एम रियली सॉरी दैट आई हैव टू से दिस, लेकिन दिस इज़ वॉट हैज़ बीन हैपनिंग. अ लॉट ऑफ वुमेन आर फेसिंग द ऑनलाइन अब्यूज एंड आई एम नॉट सेइंग दैट द मेन आर नॉट फेसिंग, द मेन आर डेफिनेटली फेसिंग द ऑनलाइन अब्यूज, बट द परसेंटेज ऑफ द वुमेन, इन मेजोरिटी पोर्शन जो है वो वुमेन का आता है. तो आई थिंक यू मी वी ऑल बींग अ वेरी एजुकेटेड, अ वेरी अवेयर एंड अ वेरी लिटरेट सिटीजन, अगर इफ वी डोंट स्टॉप, इफ यू कम अक्रॉस एनीथिंग लाइक दैट, आई थिंक ये आपका मेरा हम सबका ड्यूटी बनता है कि हम उसको एज सुन एज रिपोर्ट करें, अगर वो रिपोर्ट नहीं हुआ है अभी तक. तो लास्ट वीक ही मोर देन 200 प्रोमिनेंट एक्टर्स, म्यूजिशियंस, जर्नलिस्ट, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इन सब ने एक ओपन लेटर लिखा था इसी ऑनलाइन अब्यूज़ को लेकर. इन्होंने बोला कि वुमेन का सेफ्टी इज़ अ प्रायोरिटी. और ऑनलाइन के अंदर दिक्कत क्या है ना कि कौन कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, क्या बोल रहा है. पीपल आर फेकिंग देयर आइडेंटिटीज, पीपल आर हाइडिंग देयर आइडेंटिटीज, तो इसमें उनको पकड़ पाना भी मुश्किल हो रहा है. एक ही आदमी 10 डिफरेंट डिफरेंट नाम से अकाउंट बना के अगर किसी को हरास करता है, अगर किसी को स्टॉक करता है, तो उस 10 आदमी को या उस वर्सेस एक आदमी को कहाँ से पकड़ा जाए, दैट इज़ अ बिगर क्वेश्चन विच इज़ कमिंग इन टू द ऑनलाइन अब्यूज. एमएनएसटी इंटरनेशनल रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन हरासमेंट इंडिया में उन औरतों पे, उन महिलाओं पे ज़्यादा हुआ है जो वोकल रही है सोशल इश्यूज को लेके, जो वोकल रही है पेट्रियार्की को लेके. जिस तरीके से ब्रिटेन के अंदर या यूके के अंदर ब्लैक वुमेन को ज़्यादा टारगेट करा जाता है, इसी तरह इंडिया के अंदर भी जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ या डिसएडवांटेज कास्ट हैं उनको ज़्यादा हरास करा जा रहा है. अ वेरी ब्रेव लेडी इन दिस होल केस, शी हैज़ सेड कि ये जो टारगेटेड और प्लान्ड अटैक था, ये एक अटेम्प्ट था कि जो एजुकेटेड मुस्लिम वुमेन है उनके हाथ से माइक को छीन लिया जाए, जो इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट बात करती है, जो अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करती है, उनको साइलेंस कर दिया जाए. इट इज़ एन अटेम्प्ट टू साइलेंस देम, इट इज़ एन अटेम्प्ट टू शेम देम एंड टेक अवे द स्पेस दे ऑक्यूपाई. इट इज़ जस्ट शटिंग देम डाउन कि उनको कुछ भी करके शट डाउन कर दो कि वो अपनी प्रेजेंस ना दिखाएं यहाँ पे. तो इस तरीके से काफ़ी सारी, मतलब दिस इज़ जस्ट अ पिक्चर आई एम शोइंग यू कि हाउ दिस होल एप्लीकेशन वॉज वर्किंग, बट वॉट इज़ द बिगर पिक्चर वी नीड टू लुक हियर. जो महिलाएं जिनकी आइडेंटिटी ली गई थी, वो महिलाएं जिनकी आइडेंटिटी मिसयूज़ करी गई थी सुली डील पे, दे आर फाइटिंग फॉर द जस्टिस एंड आई एम 200% विद देम. ये जस्टिस फाइट लॉन्ग एंड टफ होने वाली है, बट दे आर डिटरमिन्ड टू हैव इट एंड दे हैव सेड इट वेरी राइटली कि अगर पुलिस उनको फाइन नहीं करती है जिन्होंने उनको सेल के लिए पुटअप करा है, आई विल गो टू द कोर्ट्स एंड आई एम गोइंग टू परस्यू इट टिल इट एंड्स, टिल वी फाइंड द कल्प्रिट. सो दिस इज अ स्टोरी of some very coward men who has done this and a story of some very brave women who are fighting to get the justice. So is puri picture ke andar the one thing I really want you to say is like agar aap, one thing is being a very educated and aware citizens, we should never do this. This is like degradation of the humanity itself. And second, agar aap is tarike kisi bhi cheez aapke samne aati hai, please don't ignore it. Please do not ignore it. Report it. File a complaint about it. आपका कुछ नहीं जाएगा, but it can actually help a lot of women also. ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि हर एक छोटी छोटी बात, एक छोटा छोटा step matter करता है. So this is a one small step we can take to make our women safe online also. So this is your, me, everybody's responsibility. एंड दिस इज़ इट. मेरा नाम संतोष है. अगर आप मुझे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टा या टेलीग्राम पे little_simple_buddha पे जुड़ सकते हैं. इस वीडियो का PDF भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप यहाँ से देख सकते हैं. सो स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे ब्रेव टू ऑल द वुमेन हु आर फाइटिंग फॉर द कॉज. वी आर ऑल्सो विद यू एंड वी जस्ट होप कि द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, द होल सिस्टम ब्रिंग अ लॉट ऑफ जस्टिस टू ऑल द वुमेन इन द कंट्री एंड ऑल द मेन इन द कंट्री ऑल्सो. सो दिस इज इट. आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट. जय हिंद.